बचता है। अभी किसी एक एकड़ में 3.5 लाख रुपए बचना कोई बुरा सौदा नहीं है, 3 लाख रुपए बचना कोई बुरा सौदा नहीं। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त आपका शुभचिंतक, आप एक खेती का डॉक्टर। दोस्तों केसर आम को अल्ट्रा हाई डेंसिटी अति सघन पद्धति में लगाने के लिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो केसर आम है भारत के कोई किसी भी जगह पे हो जाता है और उसकी विशेषता ये है कि वो अर्ली ईल्ड आता है। मीन्स हमने अभी नवंबर में उसको जो बाहर आता है तो अपने को अप्रैल महीने में उसकी फ्रूटिंग आ जाती है, ठीक है। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि हम लोग 20x20 फीट पे लगाते थे। 20x20 फीट पे लगाने की वजह से प्लांट्स बहुत कम आते थे, 80 प्लांट 100 प्लांट, और पौधे इतने बड़े होते कि हार्वेस्टिंग करने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। वो जमाना अभी गया है, अभी इंडो इजराइल टेक्निक से लगाने का जमाना है। और वही डेमो मैंने यहाँ पर किया हूँ नागपुर की धरती पे। नागपुर ऐसे भी ऑरेंज के लिए काफी फेमस है, लेकिन हम थोड़ा सा ऑरेंज के साथ में ड्रैगन फ्रूट, अमरूद और हर प्रकार के क्रॉप लगाना चाहते हैं। और एक डेमो यहाँ पर बना के दिया हूँ आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए। आप कभी भी इस खेत पे आ सकते हैं, नागपुर आइए, नीचे में नंबर है, कभी भी आप आइए, नीचे कॉल कीजिए, हम आपको वाला बगीचा दिखाएंगे। अब इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि इसको हमने लगाया 12x4 फीट पे, ठीक है। इसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी बोलते हैं और डेमो के तौर पे बनाया है। इस बगीचे को कंप्लीट हो चुके 2 साल, मींस हाँ पिछले अगस्त को, अगस्त महीने में लगाए थे, अगस्त टू अगस्त 1 साल और ये अगस्त 2 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। और इस प्रकार का ये बगीचा है, ठीक है। ये केसर आम है, केसर भी कौन सा, जूनागढ़ गुजरात वाला केसर आम हमारे नागपुर की धरती पे काफी अच्छा सक्सेस होता है, तो वही आप लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी में तैयारी करते हैं तो एक ही बात याद रखना, जब आप डिस्टेंस कम करना चाहते हैं इधर 12 फीट का और इधर 4 फीट का, तो सबसे पहले आपने पौधों का चयन करना चाहिए, अच्छे पौधों का, और अच्छे पौधे के साथ में उसकी हाइट बड़ी बैलेंसिंग होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5 फीट का 4 फीट का पौधा लगा देते हैं और वो सक्सेस नहीं होता। मेरा पहला ही आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी केसर मैंगो लगाना चाहते हो तो सिर्फ 2 फीट का या 2.5 फीट का ही पौधा चुनिए, 2 से 2.5 फीट का, ये पहले आप इसका मेथड पहले जान लीजिए। क्यों, जब भी आप लगाते हो, ठीक है, हमने छोटे प्लांट लगाए थे यहाँ पर, हमने 2 फीट 2.5 फीट के प्लांट लगाए थे, और लगाने के बाद में इसका पहला मीटर है कि जो स्टेम होता है, ये देखिए स्टेम, जैसे आपने पौधा लगाए हो उसके बाद 1.5 फीट पे पहला कट कर दीजिए। पहला कट करने के बाद में यहां से ब्रांचेस निकलेंगे, ऐसे देखिए, ये आप देख पा रहे हो, ये 1.5 फीट पे पहला यहां से ब्रांचेस निकली है, ठीक है, ये ब्रांचेस निकली यहां से, ये इसका बनेगा घेरा। लेकिन आपने यही बड़ा किया, 4 फीट पे कट कर दिया 3 फीट पे कट कर दिया, तो वो आपका अल्ट्रा हाई डेंसिटी में सक्सेस नहीं होगा। 1 एकड़ में लगभग 900 पौधे बैठते हैं यदि आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी में करते 12x4 पे, तो 900 का मतलब है कि एक पौधे पे हम 10 किलो का उत्पादन मानते हैं, कब, 3रे साल के बाद। अभी 2 साल भी, अगले साल हम यहां से फ्रूटिंग लेंगे, उसका भी मैं वीडियो आपको डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ 900 प्लांट है, 900 प्लांट को यदि 10 किलो भी एक पौधे पे उत्पादन मिलता है तो 9000 किलो अपने को फल मिलता है, और हम ज्यादा 50 रुपए किलो तो हाल ही बिकी जाता है केसर आम, तो हमको 4.5 लाख रुपए का एक मोटा मोटा गणित यहाँ से बनता है। यदि मैं उसके लाख रुपए खर्चा भी करता हूँ, लेबर, फर्टिलाइजर, कटिंग फटिंग जो भी कुछ आता है, तो मेरे पास में 3.5 लाख रुपए बचता है। अभी किसी एक एकड़ में 3.5 लाख रुपए बचना कोई बुरा सौदा नहीं है, 3 लाख रुपए बचना कोई बुरा सौदा नहीं है। तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में आपने जाना चाहिए, इसमें मेंटेनेंस काफी कम है, हेडेक कम है, ना कोई बैगिंग करनी पड़ती है, ना कोई हेडेक है, तो मैंगो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, जिसमें केसर आम जूनागढ़ वाला अपने यहाँ पर आप लगा सकते हो। देखिए कितना प्यारा ये बगीचा बना है, आइए मेरे साथ में, ये देखिए इसकी कैनोपी देखिए, इसको हमने 1.5 फीट पे इसको रखा है, और इसकी कैनोपी देखिए, ऐसी कैनोपी बनना चाहिए, तब जाके नीचे ऐसे झूलते हुए आपको आम दिखेंगे 4थे साल से 3रे साल से, और आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी के साथ में मैंगो लगाइए अभी जब भी मैंने, ठीक है, इसी के साथ में आपका दोस्त मिलता हूँ अगले वीडियो में।